7 क्विक इफेक्टिव शोल्डर एक्सरसाइज फॉर ग्रोथ। नंबर 1 एक्सरसाइज डंबल शोल्डर प्रेस, मेन टारगेट मसल एंटीरियर डेल्टॉइड। फ्रेंड्स, दिस इज योर फ्रंट शोल्डर एक्सरसाइज। यू कैन परफॉर्म इट स्टैंडिंग और सिटिंग। यू डू दिस एक्सरसाइज विद द लाइट वेट इन द बिगिनिंग सो दैट यूर मसल आर वेल वार्म अप, देन ग्रेजुअली इंक्रीज द वेट आफ्टर ईच सेट। दिस इज द ग्रेट एक्सरसाइज टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर शोल्डर। यू हैव टू डू 3-4 सेट्स एंड 10-12 रेप्स। एक्सरसाइज नंबर 2, वन आर्म केबल लेटर राइजेस, टारगेट मसल लेटरल डेल्टॉइड। दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज टू गिव अ 3D शेप टू योर शोल्डर। इन दिस यू हैव टू यूज अ लाइट वेट वेन एवर यू ब्रिंग द केबल अप, ब्रिंग द केबल अप टू योर शोल्डर लेवल सो दैट द लोड ऑन योर लेटरल डेल्टॉइड मसल कम्स, एंड देन स्लोली ब्रिंग द केबल टू द नॉर्मल पोजिशन। यू हैव टू डू 3-4 सेट्स एंड 10-15 रेप्स ऑफ दिस विद बोथ योर हैंड्स, एंड आफ्टर ईच सेट यू हैव टू रेस्ट फॉर 1 मिनट। एक्सरसाइज नंबर 3, बारबल अपराइट रो। दिस एक्सरसाइज इंक्रीज द साइज ऑफ योर साइड शोल्डर एंड ऑल्सो पुट अ लोड ऑन योर ट्रैप मसल। यू कैन परफॉर्म दिस फ्रॉम द स्ट्रेट बार ऑन द स्मिथ मशीन। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज टू इंक्रीज द साइज ऑफ योर शोल्डर सो दैट यूर बॉडी लुक लाइक अ मस्कुलर। फॉर दिस यू हैव टू डू 3-4 सेट्स एंड 10-15 रेप्स। एक्सरसाइज नंबर 4, बारबल फ्रंट रेजेस। दिस इज अ आइसोलेशन एक्सरसाइज इन विच यू यूज अ लाइट वेट, होल्ड द बारबल इक्वली टू द विथ ऑफ योर शोल्डर वेन एवर यू ब्रिंग द बारबल अप, ब्रिंगिंग इट अप टू योर शोल्डर लेवल सो दैट टेंशन इज क्रिएट ऑन योर फ्रंट शोल्डर, एंड आफ्टर होल्डिंग 1-2 सेकेंड ब्रिंगिंग द बारबल टू द नॉर्मल पोजिशन। फॉर दिस यू हैव टू डू 3-4 सेट्स एंड 10-12 रेप्स। एक्सरसाइज नंबर 5, मिलिट्री प्रेस। यू कैन परफॉर्म इट स्टैंडिंग और सिटिंग, एंड यू कैन परफॉर्म इट ऑन अ स्मिथ मशीन और विद द स्ट्रेट बार। This is the effective exercise to increase the size of your front shoulder. Whenever you bring the barbell up, squeeze the shoulder muscle and slowly bring the bar to the normal position and stretch the shoulder muscle. In the beginning, you perform it with the light weight. You have to do 3-4 sets and 10-12 reps. Exercise number 6, dumbbell shrugs. With this exercise, the size of your trap muscle increases. You have to use a heavy dumbbell in it. Whenever you bring the dumbbell up, squeeze the trap muscle, and after holding for 1-2 seconds, slowly bring the dumbbell to the normal position and stretch the trap muscle. Many people make mistake in this exercise, so you have to take care the correct form so that you do not have any injury. For this, you have to do 3-4 sets and 10-12 reps. Exercise number 7, front to side raises. Friends, this is your most effective exercise today. In this, you have to use two light dumbbells. You have to do 1 rep front raises and 1 rep side raises without taking any rest. This is an isolation exercise. The target muscle of this exercise in the anterior deltoid of your lateral deltoid. You have to do 3 sets of this exercise and 10-15 reps. You must perform each one. A very good pump will come on your shoulder muscle.